सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम लगातार लोगों का दिल जीत रही है। बहुत दिनों बाद ऐसी कोई फिल्म आई है जिसकी इतनी ज्यादा और इतने दिनों तक चर्चा हो रही है। लोग लगातार इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अब इस सफलता में एक और रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। दरअसल जय भीम हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन को पीछे छोड़कर IMDb पर सबसे अधिक रेटिंग वाली फिल्म बन गई है। जी हाँ, जय भीम को 10 में से 9.6 रेटिंग मिली है। इस तरह जय भीम फिल्म ने एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। जय भीम से पहले IMDb पर पहले नंबर पर हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन थी। मूल रूप से तमिल भाषा में बनी जय भीम 9.6 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 9.3 रेटिंग के साथ द शॉशैंक रिडेम्पशन है। इसके बाद 9.2 की रेटिंग पर हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर काबिज है। अन्य टॉप 10 फिल्मों में शिंडलर्स लिस्ट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग, पल्प फिक्शन और इंसेप्शन जैसी फिल्में शामिल है। रिलीज के महज 10 दिन के अंदर फिल्म का IMDb की सूची में पहला नंबर पर आना बेहद खास है। जय भीम की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इसी के साथ ये साउथ की टॉप फिल्म बन गई है जिसे IMDb पर इतनी ज्यादा रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हिंदू धर्म की सख्त जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर मौजूद दलितों आदिवासियों के खिलाफ होने वाले दमन की कहानी है। जय भीम की शुरुआत में दिखाया गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी जाति के आधार पर संदिग्ध लोगों को अलग कर रहे हैं। उस सीन में जो लोग दबंग जातियों के होते हैं उन्हें जाने को कहा जाता है, वहीं जो दलित या आदिवासी होते हैं उन्हें ठहरने के लिए कहा जाता है। बाद में पुलिस कमजोर तबके के लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाती है। ये दृश्य भयानक और परेशान करने वाला है। इसमें एक कोने में खड़े डरे और सहमे लोगों को अपना अंजाम लगभग मालूम है। ये सीन हमें याद दिलाता है कि ऐसी घटनाएं हमेशा ही होती है। यह हमें बताता है कि देश के छोटे शहरों और गांवों में हाशिए पर मौजूद लोगों को, खासकर दलितों का जीवन बेहद अनिश्चित है। जय भीम तमिल सिनेमा में एक नए आंदोलन का हिस्सा है। इसके तहत कई युवा फिल्म निर्माता दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ दमन की कहानियों को फिल्मों के जरिए पेश कर रहे हैं। जय भीम मद्रास हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस चंद्रू के एक चर्चित केस पर आधारित है जिसमें उन्होंने कुरवा जनजाति के लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। फिल्म में सुपरस्टार सूर्या के अलावा लिजोमोल जोस, के मणिकंदन, राजिशा विजयन, राव रमेश और प्रकाश राज जैसे स्टार्स ने काम किया है। वहीं TJ ज्ञानवेल ने इस फिल्म का निर्देशन देखा है। वह फिल्म की कहानी के लेखक भी है। जस्टिस चंद्रू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से काफी प्रभावित थे। जय भीम बीते 2 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी जिसके बाद से ये फैंस की पहली पसंद बनी हुई है।